भी वहाँ पर आ जाता है और वो ट्रेवर को बिना कपड़ों के देखकर ये समझने लगता है कि टेसा ने जरूर इसके साथ घपाघप किया है। फिर हार्डिन उस पर गुस्सा करने लगता है जिसे ट्रेवर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद टेसा और हार्डिन आपस में लड़ने लगते हैं पर तभी उन दोनों के अंदर ठरक जागने लगती है और वो दोनों वहीं पर ही घपाघप करना शुरू कर देते हैं। फिर अगले सुबह जब वो दोनों उठते हैं तो टेसा हार्डिन को बोलती है कि कल रात मैं बहुत नशे में थी इसलिए मैंने तुम्हारे साथ घपाघप किया था। फिर टेसा हार्डिन को चिढ़ाने के लिए उसे बोलती है कि उसने कल रात किसी दूसरे लड़के को भी किस किया था। इस पर हार्डिन भी उसे नीचा दिखाने के लिए उसे झूठ बोलता है और कहता है कि कल रात मैंने भी मौली के साथ घपाघप किया था। ये सुनकर टेसा को बहुत गुस्सा जाता है और वो हार्डिन को गालियां देकर वहाँ से चली जाती है। फिर टेसा ट्रेवर से मिलती है और उसे कल रात के लिए माफी मांगती है। इस पर ट्रेवर उसे बोलता है कि कोई बात नहीं, वो सिचुएशन ही ठीक नहीं थी। इसके बाद हम हार्डिन को देखते हैं जो लंडन के पास आता है और उसे मदद मांगता है। लंडन पहले तो उसकी मदद नहीं करना चाहता था पर हार्डिन उसे कन्विंस कर लेता है। फिर लंडन टेसा को मैसेज करता है और उसे बताता है कि अभी हार्डिन मेरे पास आया था और वो सच में तुमसे बहुत प्यार करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हार्डिन और टेसा पहले जिस फ्लैट में रहते थे उस फ्लैट में टेसा का कुछ सामान रह गया था। फिर उसे लंदन से पता चलता है कि हार्डिन अपनी मॉम से मिलने लंदन गया हुआ है इसलिए टेसा अपना सामान लेने के लिए उस फ्लैट में आती है। वहाँ उसे बेड के ऊपर एक पार्सल मिलता है। आज टेसा का बर्थडे है इसलिए हार्डिन ने उसे ये गिफ्ट दिया है। अब टेसा ये सब देख ही रही होती है कि तभी वहाँ पर हार्डिन और उसकी मॉम आ जाती है और वो टेसा को देखकर बहुत खुश होती है। पर फिर टेसा हार्डिन को बोलती है कि तुमने अपनी मॉम को ये क्यों नहीं बताया कि हमारा ब्रेकअप हो गया है। इस पर हार्डिन उसे बोलता है कि मुझे रिलेशनशिप में देखकर मेरी मॉम बहुत खुश होती थी और मैं उन्हें हर्ट नहीं करना चाहता था इसलिए मैंने उन्हें ब्रेकअप के बारे में नहीं बताया। इसके बाद हार्डिन की मॉम उसे आज रात यहीं रुकने के लिए बोलती है पर टेसा को आज अपनी मॉम से मिलने जाना था पर हार्डिन की मॉम के फोर्स करने पर वो वहीं रुक जाती है। फिर अगले दिन टेसा जब अपनी मॉम से मिलने जाती है तो वहाँ पर उसे नोवा मिलता है और वो टेसा से पूछता है कि तुम्हारा और तुम्हारे डैड का रिलेशन कैसा था। दोस्तों यहाँ पर हमें पता चलता है कि टेसा जब बहुत छोटी थी तो उसके डैड उसे छोड़कर चले गए थे। फिर टेसा अपनी मॉम को फोन करती है तो उसकी मॉम उसे बताती है कि तुम्हारे डैड यहाँ पर तुमसे मिलने आए थे पर मैंने उनको भगा दिया। अब ये सुनकर टेसा को बहुत गुस्सा आता है और वो वापस हार्डिन के पास चली जाती है। अब पूरी रात हार्डिन के साथ पलंग तोड़ने के बाद जब सुबह टेसा उठकर बाहर आती है तब हार्डिन की मॉम उससे पूछती है कि तुम्हारा और हार्डिन का रिलेशनशिप कैसा चल रहा है। इस पर टेसा उसकी मॉम को सच बता देती है और बोलती है कि आपका बेटा चूतिया है, उसने मुझे धोखा दिया था इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। पर हार्डिन अभी भी उससे पैचअप करना चाहता है इसलिए जो चीजें टेसा को करना पसंद है वो भी हार्डिन उसके साथ करता है। अगले दिन किम्बरली टेसा को फोन करके ऑफिस बुलाती है और उसे बताती है कि उसके बॉस को और उसे किसी काम से शहर से बाहर जाना पड़ेगा इसलिए टेसा को उसके बॉस के बेटे का ख्याल रखना होगा। अब इसके कुछ दिनों बाद क्रिसमस पर हार्डिन टेसा को एक नेकलेस गिफ्ट करता है और ये देखकर टेसा उसे बोलती है कि मुझे नहीं लगा था कि हम दोनों क्रिसमस तक साथ रहेंगे। यहाँ टेसा बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और हार्डिन उसे संभालते हुए बोलता है कि मुझे एक लास्ट चांस और दे दो, मैं तुम्हें फिर कभी भी चीट नहीं करूंगा। अब टेसा हार्डिन की बात मान जाती है और वो दोनों वहीं पर ही घपाघप करना शुरू कर देते हैं। अगले दिन हार्डिन के डैड एक पार्टी रखते हैं और वहाँ पर वो हार्डिन की मॉम को भी इनवाइट करते हैं। फिर जब हार्डिन अपनी मॉम के साथ उस पार्टी में जाता है तब हार्डिन के पिछवाड़े में कोई काला कुत्ता काट जाता है जिस वजह से वो पागल हो जाता है और अपने डैड को ही पीटने लगता है। पर ये सब देखकर उसकी मॉम बहुत नाराज हो जाती है और उसे बोलती है कि अगर तुम ऐसे ही गुस्सा करते रहे तो एक दिन टेसा भी तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। अगले दिन ट्रेवर टेसा से मिलने आता है और उसे बोलता है कि उसका प्रमोशन हो चुका है और अब वो काम करने के लिए दूसरे ऑफिस चला जाएगा। पर ट्रेवर को यहाँ से जाना अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि उसे टेसा से प्यार हो गया था पर वो टेसा को ये बात बोल नहीं पाता और वहाँ से चला जाता है। रात को हार्डिन और टेसा एक पार्टी में जाते हैं, वहाँ मॉली भी होती है और वो वहाँ पर टेसा की इंसल्ट करने लगती है। इससे टेसा का दिमाग घूम जाता है और वो आपस में लड़ने लगते हैं पर तभी हार्डिन टेसा को रोकता है और उसे उठाकर एक रूम में ले जाता है। वहाँ उन दोनों में वापस ठरक जागने लगती है और वो दोनों वहीं पर ही घपाघप करना शुरू कर देते हैं। अब इसके बाद जब वो दोनों पार्टी से जा रहे होते हैं तभी हार्डिन को वहाँ उसकी पुरानी दोस्त मिलती है और उसे बोलती है कि आज रात को जो भी हमारे बीच हुआ उसे तुम सीक्रेट रखना। पर तभी ये बात टेसा भी सुन लेती है और उसे लगता है कि हार्डिन ने आज रात को इसे भी घोड़ी बनाया था। अब टेसा इसे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है पर तभी हार्डिन उसे बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। पर टेसा उस पर बिलीव नहीं करती और उसे गालियां देकर वहाँ से चली जाती है। अगले सुबह टेसा को लगता है कि उसे हार्डिन से लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी इसलिए वो हार्डिन से माफी मांगने के लिए उसे फोन करती है पर हार्डिन का फोन स्विच ऑफ होता है इसलिए वो परेशान होकर उसे ढूंढने निकल जाती है। फिर जब हार्डिन अपना फोन ऑन करता है तो उसे टेसा के बहुत सारे मैसेजेस दिखते हैं। तभी वो रास्ते में देखता है कि टेसा का एक्सीडेंट हो गया है और एम्बुलेंस उसे ले जा रही है। ये देखकर हार्डिन उसके पीछे भागता है पर वो उसे पकड़ नहीं पाता। इसके बाद वो टेसा को कॉल करता है पर वो कॉल ट्रेवर उठाता है। फिर ट्रेवर उसे बोलता है कि अगर तुम टेसा से प्यार करते हो तो उसे जाने दो। अब ये बात सुनकर हार्डिन को लगने लगता है कि शायद ट्रेवर और टेसा साथ में है इसलिए वो निराश होकर फोन काट देता है। फिर जब ठीक होकर टेसा अपने फ्लैट में वापस आती है तो वहाँ पर उसे एक लेटर मिलता है जिसमें हार्डिन ने लिखा था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ पर मैं तुम्हारे लिए ठीक नहीं हूँ क्योंकि मैं हमेशा तुम्हें हर्ट करता हूँ। उस रात पार्टी में जिसे तुमने देखा वो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी जिसे मैंने हर्ट किया था, मैं उसे माफी मांग रहा था पर तुमने मुझे गलत समझा। फिर इस लेटर को पढ़कर टेसा हार्डिन को कॉल करती है पर हार्डिन ने गुस्से में अपना फोन तोड़ दिया था। इसके बाद जब टेसा और ट्रेवर साथ में होते हैं तो वो उसे बताता है कि उस दिन हॉस्पिटल में हार्डिन का कॉल आया था पर मैंने उसको ये बोला कि हम दोनों साथ में हैं पर अब मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी इसलिए तुम मुझे माफ कर दो। तभी हार्डिन भी वहाँ पर आ जाता है और टेसा उसके पास आकर उसे सॉरी बोलती है। फिर वो दोनों एक दूसरे को माफ कर देते हैं और दोनों का वापस पैचअप हो जाता है। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि जब ये दोनों साथ में घूम रहे होते हैं तभी एक आदमी आकर टेसा से बात करना चाहता है पर हार्डिन उसे पकड़ लेता है और मारने लगता है पर तभी टेसा नोटिस करती है कि ये तो उसके डैड है। अब इसके बाद कहानी में आगे क्या होता है ये हमें इसके नेक्स्ट पार्ट में पता चले।